ओके, तो दोस्तों हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से मासा या एचसीएफ निकालेंगे और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। अब यहाँ पे हमें 575 और 1288 का क्या करना है, मासा ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या वो पता कर लेंगे। तो ये आपका 1288 क्या है, बड़ा है किससे, 575 से। और इसी पैटर्न को हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या को क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या को हम भाज्य बनाएंगे और छोटी वाली को भाजक बनाएंगे। तो यहाँ पे 1288 बराबर 575 गुणे दो, तो ये आपका आ जाता है कितना, 575 में दो का गुणा कर दो, दो पाँचे 10, दो साते 14, एक 15 और दो पाँचे 10 एक 11, तो 1150 क्या कर देंगे, 1288 में से 1150 हम माइनस कर देंगे और ये हमारा आ गया कितना, 138। अब यहाँ पे ये आपका 575 और 138, इसमें क्या है, 575 क्या है, बड़ा है और 138 छोटा है। तो आप क्या करो, 575 को भाजक बना दो और यहाँ पे 138 और गुणे आपका कितना हो जाएगा, 138 को चार से, चार बटे 32, चार तियाई 12, 12 तीन 15 और यह हो गया चार एकम चार, चार एक पाँच, ठीक है। तो ये आप चार बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, चार बटे 32, चार तियाई 12, तीन 15, चार एकम चार एक पाँच, ये आपका 575 में से 552 निकल जाएगा, पाँच में से दो गया तीन और यहाँ पे सात में से पाँच गया दो, कितना आ गया, प्लस आ गया आपका 23, ठीक है। अब आपका देखो, ये 138 आपका बड़ा हो रहा है और 23 छोटा हो रहा है, यहाँ पर भी आपकी क्या करेगी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लग जाएगी। तो ये 138 बराबर 23 और क्या कर दीजिए 6 से, तो कितना हो गया, 6 तरीके 18, हाथ लगाए 6 दुना 12 एक 13, 138 हो गया। तो रिमाइंडर आपका कितना बच गया, 0 बच गया, ठीक है। तो ये आपका स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। हम वहाँ पे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग तब तक देते जाते हैं जब तक कि हमें लास्ट में रिमाइंडर 0 ना बच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो भाजक आ रही है, ठीक है, ये जो आपका भाजक प्राप्त हो रहा है वो क्या होगा, मासा होगा। तो इसका जो है मासा हमें कितना प्राप्त हो गया, 23, ठीक है। मासा कितना प्राप्त हो गया, 23 प्राप्त हो गया और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करें, जैसे एक आपका सवाल है, दूसरी बात हम क्या करते हैं, मासा और लसा को क्या करेंगे, गुणन खंड विधि के द्वारा ज्ञात करना, दी गई संख्याओं का मासा और लसा, दी
संख्याओं का मास तथा लास ज्ञात करने के लिए जो भी संख्याएं होती हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं स्टेप नंबर वन में ज्ञात संख्याओं का अभाज्य गुणन खंड क्या करते हैं ज्ञात करते हैं। स्टेप नंबर दो में क्या करेंगे खंडों को घात के रूप में, है ना, खंडों को घात के रूप में लिखते हैं। स्टेप नंबर तीन में मास ज्ञात करने के लिए जो भी खंड क्या है उभय निष्ठ है, मास ज्ञात करने के लिए उभय निष्ठ खंडों की सबसे छोटी घात से क्या करते हैं गुणा करते हैं। जैसे कहा जाए कि एक सौ अस्सी, दो सौ बावन और 324 का मास, प्रश्न 180, 252, 324, 180, 252, 324 का गुणन खंड विधि द्वारा मास ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे 180 का अभाज्य खंड करेंगे। तो 180 को अभाज्य खंड करने के लिए हम सिंपल स्टेप लेके चलेंगे अभाज्य संख्याओं से, और अभाज्य संख्या वो होती है वो संख्या जिसमें या तो एक से भाग जाए या तो खुद उसी संख्या से भाग जाए और किसी संख्या से ना कटे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ से दो से भाग दे दोगे 90, दो से भाग दे दोगे 45, फिर तीन से भाग दे दोगे कितना आ गया 9, फिर तीन से भाग दे दोगे आ गया 3, और फिर तीन से भाग दे दोगे कितना आ गया 1, दो दिन चार तीन 12 बढ़ते 3 को 12 में कैसे आएगा सर 45 5 रहेगा ना 15, अरे भाई 15 आएगा, रुको गलत हो गया बैटरी के क्या हो रहा है। तो ये हो गया 3 से भाग देंगे ये हो गया 15, फिर तीन से भाग देंगे 5, 5 से भाग देंगे 1, दो दूनी 4 तीन 12 बढ़ते हैं 36, 36 पंजे 180, तो यह हो गया 2×2×3×3×5। इसके बाद क्या करेंगे 252 का हम खंड कर लेंगे और यह हो जाएगा 2×2, 2×2×4, 2×6×12, फिर 2 से काट दो ये हो गया 2×6×12 और 2×3×6, अब ये आपका कट जाएगा 3 से, 3×2×6, 3×1×3, फिर 3 से कट जाएगा कितना आ गया 7, फिर आ गया 7, तो ये आ गया 2×2×3×3×7 हो गया 7। इसके बाद क्या करेंगे 324, तो 324 का जो आपका खंड बनेगा ये हो गया 4 लास्ट में है 2×1×2, 2×6×12, 2×2×4, फिर 2 से कटेगा 2×8×16, 2×1×2 और ये आपका 3 से कटेगा 3×2×6, 2 बच गया 3×7×21, 3 से कटेगा ये हो गया 3×9×27, 3×3×9 और 3×1×3, ठीक है। तो आप
आपका हो गया दो गुणे दो, इधर हो गया गुणे तीन गुणे तीन गुणे तीन गुणे हो गया तीन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अलग अलग पावर अब क्या कर दो जो सब में कॉमन है। तो यह हो गया 180 के बराबर, दो कई बार आया, दो बार आया है, तो दो के पावर दो और तीन के पावर दो और गुणे क्या पाँच। यहाँ पे 252 में दो के पावर दो गुणे तीन के पावर दो और गुणे सात, और इधर 324 में दो बार आया, दो के पावर दो और तीन आपका क्या किया है चार बार आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो खंड सब में हो, यहाँ पे देखिए दो भी आया है, दो भी आया है, दो भी आया है, तो यहाँ पे दो की जो सबसे छोटी पावर है ये कितना है, दो है, तो इसमें एक खंड को ले लेंगे दो के पावर दो, और देखिए इसमें आपका तीन क्या किया है सब में आया है, तो तीन की सबसे छोटी पावर, और तीन की सबसे छोटी पावर क्या हो गया तीन के घाते दो हो गया। यहाँ पे देखो ये तो कॉमन नहीं है, जो उभयनिष्ठ ने उसको क्या कर दो गया छोड़ दोगे, और ये आपका हो गया। अब इसको मौसा आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, चार गुणे कितना नौ, और ये आपका आ जाएगा कितना 36 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे इसी से हमें एलसीएम ज्ञात करना हो यानी कि लॉस ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, इन्हीं के खंडों की सबसे बड़ी घात। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पांच का पावर ये 180 वाले में ये आपका पांच का पावर एक और सात का पावर एक सभी को लेंगे और इनकी क्या सबसे बड़ी घात, तो कितना हो जाएगा दो का घात कितना है दो है, दो का घात दो गुणे तीन की सबसे बड़ी घात कितनी है चार है, तो यहाँ पे हो गया तीन के घाते चार। इसके बाद सभी खंडों को लेना है, दो को भी लेना है, तीन को भी लेना है, पांच को भी लेना है, सात को भी लेना है, तो क्या हो गया पांच के पावर एक, इधर क्या हो गया सात के पावर एक, तो यह हो गया दो दूनी के चार और ये तीन के पावर चार है, तो कितना हो जाएगा तीन तरी के नौ, नौ तरी 27 तीन 81 गुणे पांच और गुणे क्या हो जाएगा सात हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, चार एकम चार, चार बटे 32 और इसमें क्या कर दो 35 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया पंच के 20, पंच दुना के 10, दो 12, पंच आए 15, 15 एक कितना हो गया 16, तीन चौके 12, तीन दुना 6 एक 7, तीन तरीके 9, ये हो गया 0, 4, 7, 6, 13, 9, 1, 10, 1, 11, कितना आ जाएगा आपका 11,340 आ जाएगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, यदि संख्याएं दी हुई हैं तो उन संख्याओं को सबसे पहले हम क्या करेंगे अभाज्य खंडों के रूप में कन्वर्ट करेंगे, और अभाज्य खंडों के रूप में करने के बाद उन खंडों के पावर मौसा निकालने के लिए उभयनिष्ठ खंडों की सबसे छोटी घात को मल्टीप्लाई करेंगे, और एलसीएम के लिए क्या करेंगे सभी खंडों के सबसे बड़ी घात, है ना, को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते। अब हमारा जो अगला स्टेप आ रहा है, दो संख्याएं दी हुई हैं और दोनों संख्याएं पता हैं और उनका क्या है लॉस ज्ञात है लेकिन मॉस ज्ञात नहीं है, तो दो संख्याओं को ज्ञात होने पे लॉस या मॉस में से किसी एक के ज्ञात होने पे हम क्या करेंगे दूसरी क्वांटिटी निकाल लेंगे, और उसके लिए फार्मूला आता है दो संख्याओं और उनके HCF तथा LCM में क्या संबंध। तो क्या होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का HCF
दोनों संख्याओं का मास गुणे दोनों संख्याओं का लस, ठीक है, दोनों संख्याओं का लस, ठीक है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मास गुणे क्या होता है लस। ये हमें क्या है पैटर्न, ये या हुआ है, ठीक है। जैसे हमारे पास तो हम इसका प्रयोग करके क्या करेंगे निकाल लेंगे। अब एक हाई स्कूल में एक और आता है गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष यानी किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया। क्या करता है इसमें वो वृक्ष दे करके कहीं पे क्या करता है खाली स्थान दे देता है। जैसे मान लीजिए 81 दिया और 81 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड वृक्ष, तो पहला अभाज्य गुणनखंड इसका हमारा देखिए 81 को क्या करेंगे इस तरह से तोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 तो ये क्या हो गया 27, फिर 3 तोड़ेंगे हो गया 9, फिर 3 तोड़ेंगे 3, फिर 3 तोड़ेंगे 1, तो यहाँ से हमने 3 दिया तो ये दूसरा क्या होगा 27 होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे तो ये 3 और ये कितना होगा 9 होगा, फिर क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे ये 3 और ये क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होगा ये यहाँ पे 3 और ये यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा 1। अब इसमें कहीं से मिसिंग कर दे, सपोज कर लीजिए ये दे दिया और इसी को क्या कर दिया गायब कर दिया, ठीक है, तो क्या करोगे यार इधर से 1 3 है ना, 1 3 हो गया। अब क्या करोगे 3 3 9 9 3 27, 27 3 क्या आ जाएगा 81। इस तरह से गुणनखंड वृक्ष का आप क्या करेंगे प्रयोग कर लेंगे। अब आपका आता है तीन संख्याओं के लिए मास और लस में संबंध, ठीक है, तीन संख्याओं के लिए मास और लस में संबंध। तो तीन संख्याओं के लिए मास और लस में मान लीजिए आपको मास तीन संख्याओं का मास निकालना है, मास किसके लिए तीन संख्या ए बी और सी है, तो आप क्या कर दो यहाँ पे ए निकालोगे ए गुणे बी गुणे सी और क्या करना है आपको मसा निकालना है ना, तो यहाँ पे तीनों संख्याओं को गुणा करके और यहाँ पे क्या कर दो लस किसका तीनों संख्याओं का और बटे आप क्या कर दोगे लस ए बी का, है ना, लस किसका ए बी का गुणे लस किसका बी सी का और गुणे लस किसका सी और ए का, ठीक है। दूसरी बात अगर आपको ला